न्यूज आईएन में आपका स्वागत है। पेश है आज की ताजा खबरें। जिले के बंगापानी क्षेत्र में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से गौरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। बंगापानी से जारा जिबली को जोड़ने वाली सड़क कई जगह बह गई है। गौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग रात भर नहीं सो पाए। जारा जिबली के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह ने नुकसान की सूचना प्रशासन को दे दी है। कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर रोड है कि या नहीं है करके। नुकसान की जानकारी लेने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया, अभी जारा जिबली के पास ये सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर भारी बारिश की वजह से सड़क वॉश आउट हुई है, तो हम लोग अपनी टीम भेज रहे हैं, उसमें जो इतना नुकसान का आकलन हम लोग उसके थ्रू करवा लेंगे। देवलथल तहसील के अंतर्गत डीडीहाट लोक निर्माण विभाग की चमू बैंड धुरौली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त है। झुलतड़ के पास सड़क की दीवार टूटने से दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। इसके चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा कि लगभग 6 किलोमीटर लंबी यह सड़क बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। उन्होंने शीघ्र इस सड़क को ठीक नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर का प्रसिद्ध रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर गढ़कोटी हॉस्पिटल अब विभिन्न कार्ड धारकों को निशुल्क उपचार की सुविधाएं देगा। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड धारकों को हड्डी रोग से संबंधित ऑपरेशन की सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। अस्पताल पिछले 22 वर्षों से नगर में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दुर्घटना और चोट लगने पर मरीजों को बगैर सरकारी अस्पतालों से रेफर कराए सीधे भर्ती किया जा सकेगा। डॉक्टर गढ़कोटी ने बताया कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड धारकों को भी यही सुविधाएं मिलेंगी। पिछले दिनों भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई समन्वय समिति में नेपाल ने पुल खुलने और बंद करने का समय बदलने का आग्रह किया था। ये नेपाल के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पर की गई थी, तो उसमें वहाँ पे मांग थी कि झूला पुल को कुछ देर और के लिए खुला जाए। तो हम लोगों ने ये जो झूला घाट का पुल है उसको पहले 7 बजे से लेकर 7 बजे तक था मॉर्निंग में, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यहाँ पे बस उनको नहीं मिल पा रही थी, तो मॉर्निंग 6 बजे से शाम के 7 बजे तक के लिए खोला जाएगा। तो गर्मियों का टाइम इनका यही टाइमिंग रहेगा और जब सर्दियाँ आएंगी तब उसको 6 से 6 बजे तक खोला जाएगा। डीएम रीना जोशी ने बताया कि सीमा पर झूला पुल मार्च से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। नवंबर से फरवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पुल खुले रहेंगे। बता दें कि भारत नेपाल के बीच 8 पुल हैं। मुंशियारी के वल्थी निवासी निहाल देवली ने 19 से 21 जुलाई तक महाराष्ट्र नासिक में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस गेम में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रवेश कर लिया है। निहाल ने इसका श्रेय मां मुन्नी देवली, पिता जगदीश देवली, कोच रोहताश रवि पांडे को दिया है। हमारी ऑटोक्राफ्ट डिजाइनिंग टीम ने ट्रेडिशनल डिजाइन और नवीनतम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोने, चांदी, नवरत्न और डायमंड के आकर्षक आभूषण तैयार किए हैं। आदर्श तकनीक के साथ हाथ से बने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की विस्तृत वैरायटी और विशाल रेंज एवं राशि के नगीने भी उपलब्ध। आज ही प्रतिष्ठान में आकर गोल्ड व डायमंड की विशाल रेंज देखें। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी 1962 से आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार पिथौरागढ़। मेलडुंगरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि जल निगम पिथौरागढ़ द्वारा मेलडुंगरी से धुरा, सेरी, बाराकोट के लिए पाइपलाइन का कार्य करवाया जा रहा है। कहा है कि बगैर ग्रामीणों को सूचित किए उनकी भूमि खोदी जा रही है। गांव से विभाग एक मनमानी करके पेयजल योजना ले जा रहा है, जिसमें पहले से ही 3 योजनाएं चली हैं और गर्मियों में पानी सूख जाता है। इसलिए हम विभाग से विनती कर रहे हैं कि अगर विभाग ने पानी ले जाना है, हमारा विरोध नहीं है, हमारे स्रोतों से नीचे एक गढ़गाड़ आती है उससे पानी ले जाए तो हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर इसमें मनमानी करेंगे हमारा पूरा गांव प्रभावित हो रहा है और हमारी हमें गर्मियों में हमें ही पानी नहीं मिल जाता है। हमारी कूलें हैं, हम सब्जियां लगाते हैं, मछली पालन करते हैं और विभाग इसमें से पानी ले जा रहा है, हमारा बिल्कुल विरोध है, हम बिल्कुल निष्काम को नहीं होने देंगे। कहा है कि थली गांव के ग्रामीण सालों से गधेरे के पानी का उपयोग कर रहे हैं, निगम की योजना से उनकी सालों पुरानी सिंचाई कूल प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। यहां प्रधान प्रकाश जोशी, अनिल जोशी, वासुदेव, चंद्रशेखर, रमेश चंद्र, भुवन जोशी आदि मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार तड़के भारी बारिश हुई। नगर के कृष्णापुरी वार्ड में ईश्वर दत्त जोशी के घर में पानी घुसने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि सड़क किनारे नालियां नहीं होने से घरों में पानी घुस रहा है। उन्होंने कई बार नगरपालिका से इस संबंध में अनुरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।